अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट द जॉय विद आयशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल कश्मीरी चाय की रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सॉस पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 कप ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा मतलब बहुत ठंडा पानी आपने लेना है, चिल्ड बिल्कुल, वो डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय की पत्ती डालेंगे, किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। 1 से 2 बादियान का फूल डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना आपने। तो इस सारे को मिक्स कर लेते हैं और पानी के उबलने का वेट करते हैं। ये देखिए पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को पकाएंगे जब तक कि ये आधा हो जाए। ये देखिए 15 से 20 मिनट लगे हैं पानी को पकते हुए। हमने 2 कप पानी रखा था और 1 कप पानी रह गया है। अब इसके अंदर हम मज़ीद 1 कप ठंडा पानी और डाल देंगे। अब मैं आपको एक सुपर फास्ट तरीका बताती हूँ इसका रंग निकालने का। आपने एक हैंड विस्क ले लेना है, उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से इसी तरह मिक्स करते जाना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देख सकते हैं झाग का कलर पिंक हो गया है। तो कोई तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं और इसका परफेक्ट कलर जो है निकल आता है। झाग का कलर ही आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पिंक आया है। तो ये कलर हमारा निकल आया है चाय का। अब इसके अंदर हम 1.5 कप दूध का डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे एक बारी और चाय के उबलने का वेट करते हैं। ये देखिए चाय उबल चुकी है। अब इसको हम अपने कप्स में निकाल लेंगे। साथ ही इस पे कुछ चॉप किए हुए बादाम और चॉप किए हुए पिस्तों के साथ गार्निश कर देंगे। तो मज़ेदार हमारी कश्मीरी चाय बिल्कुल तैयार है। अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको पिलाइए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।